जैसा कि पता है आप लोगों का, पूरे झारखंड में पंचायती चुनाव जो है चल रहा है और 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पहला चरण का नॉमिनेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी हम बात करेंगे गढ़वा जिला का चिनिया प्रखंड में स्थित है कार्यालय के पास, और हम आपको बताते चले कि यहाँ तक अभी टोटल पंचायती चुनाव में मुखिया का कितना नॉमिनेशन हुआ है और वार्ड का, क्योंकि ब्लॉक स्तरीय जो है दो लोगों का नॉमिनेशन किया जा रहा है, पहला में मुखिया लोगों का, दूसरी जो है वार्ड मेंबर लोगों का। तो चिनिया जो ब्लॉक हुआ पूरा चिनिया ब्लॉक में टोटल मिला के वार्ड मेंबर की अगर हम बात करें तो टोटल महिला और पुरुष के मिला के 54 उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन अभी दे चुके हैं। 54 उम्मीदवार जो है महिला और पुरुष दोनों मिला के वार्ड मेंबर का नॉमिनेशन दे चुके हैं आज सबका 21 अप्रैल तक। अगर हम बात करें मुखिया का, तो मुखिया का नॉमिनेशन जो है टोटल 27 मुखिया उम्मीदवार, लगभग यहां पर 6 या 7 पंचायत है और 7 पंचायत मिला के 27 मुखिया उम्मीदवार अभी तक 21 अप्रैल तक नॉमिनेशन दे चुके हैं। हालांकि अभी बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं नॉमिनेशन का वेट कर रहे हैं और ये लगातार 23 अप्रैल तक नॉमिनेशन का डेट है और वो चलता रहेगा। और यहाँ पर जो भी उम्मीदवार लोग हैं काफ़ी संख्या में अपने अपने पंचायत से भाग ले रहे हैं और नॉमिनेशन करा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव जो है हम आपको बताते चले कि विगत लगभग 6.5 वर्ष लगातार मुखिया का यहाँ पर उनका पद रहा। हम आपको एक चीज़ और बताते चले, क्योंकि अभी हाई जो सुप्रीम कोर्ट का एक मामला चल रहा था जिसमें 21 अप्रैल को ओबीसी का लेकर याचिका जो दायर किया गया था उसमें आज सुनवाई थी, लेकिन किसी कारण बस 25 तारीख को कर दिया गया है। इसका जो सुनवाई है 25 अप्रैल को होगा, क्योंकि लगातार मुद्दे उठ रहे थे जो भी पंचायती चुनाव में जो आरक्षण की बात कर रहे थे एससी एसटी ओबीसी लोगों के लिए उसका दिया जाए, उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जो 21 अप्रैल को उसका सुनवाई थी, उस पर फैसले होने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस वो फैसले को टाल दिया गया है और 25 अप्रैल को कर दिया गया है। हालांकि देखना ये होगा जब इस पंचायती चुनाव में आरक्षण ओबीसी का आरक्षण मिलेगा या फिर बिना आरक्षण का ही, जैसे अभी चुनाव का झारखंड में चल रहा है इसी पर होगा, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों लोगों का है एक निशाना टिका हुआ था जी 21 अप्रैल को क्या निर्णय आएगा, लेकिन उसको टाल दिया गया 25 अप्रैल को। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार लोग हैं जो प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शंका है जो सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव को रोक सकती है या फिर करवा सकती है। ये हालांकि चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अब इस पर क्या निर्णय लेती है ये हम लोग का देखना होगा और वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तक ये गढ़वा रंका अनुमंडल के चिनिया प्रखंड में 27 मुखिया उम्मीदवार का नॉमिनेशन हो चुका है, और अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल तक जो वार्ड का है 54 महिला पुरुष का नॉमिनेशन कर दिया गया है। अपने सहयोगी विकास के साथ चिनिया से मैं मोहम्मद मुश्ताक।